चेयरमैन। ओ अरे क्या है? पेपर पढ़ रहे हैं आप? इसमें जो कुछ छपा है वो टीवी में दिखाया जाता है। खावा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे तूने मुझे मारा? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला। एक मच्छर मच्छर था मगर एक फैक्स आपको दीवाना बना देगा जीजाजी। कल अजय आ रहा है। अरे उसकी तैयारियां कौन करेगा? अरे इसकी फिक्र तुम मत करो जीजाजी, उसका मामा है। देखो इंतजाम कैसे करता हूँ। जी अपने साले का इंतजाम। ये उस वक्त तक बैंड बजाते रहेंगे जब तक आपका बैंड ना बज जाए। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए। और ये कन्याएं यहाँ पर इतने फूल बरसाएंगी, इतने फूल बरसाएंगी कि आप ब्लडी फूल हो जाएंगे। ओ अजय आ गया, अजय आ गया। लड़कियां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ फूल बरसाओ। कम ऑन डार्लिंग। अरबू ये लड़की कौन है? थैंक यू। रंजीते ये तो मेरी बेटी की सहेली है। हाँ? ये फटीचर झोपड़पट्टी में रहती है। क्या? हाँ? जीजा जी, क्या सड़े हुए बैगन की तरह मुंह लटका खड़े हो? फुल करने यहाँ। यस सर। इन्हें ले जाओ और फोटो खींचो। क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? थैंक्स फॉर द वेलकम डैड। अरे वेलकम तो मैं तेरा खर्चा के करूंगा हराम। इधर देखिए स्माइल प्लीज। स्माइल डैड। हाय डैड, सी यू। देख देख रंजीते, इसने तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। पीछे देखिए जनाब, आपके अरमानों की अर्थी आ रही है। हाय डैड। हाय डैड। व्हाट? ओह थैंक यू। अब अड़ियल सांड की तरह फू फू क्या कर रहा है? अरे जा अपनी बेटी और दामाद के साथ फोटो खिंचवा। बिल्कुल नहीं, बोलता हूँ तू चुप हो जा। नहीं तो गंजे देखो यार, बेकार की बातें कर रहा है। डैड मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारा स्वागत इस तरह करेंगे। यस यस, तेरा स्वागत तो मैं घर चलकर करूंगा। और कमीने तू, तेरे को हम लोगों ने ऊटी भेजा था मधु और अजय को नजदीक लाने के लिए, और तू अपना चक्कर चला कर आ गया। ससुर जी, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजोगे तो वो तो पतीला चाट ही जाएगी ना। हरामजादे, मैं तेरे को मार दूँगा। डैडी डैडी डैडी, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें घर चल के, वरना ससुर और दामाद के हाथापाई की तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएंगी, है ना? स्माइल स्माइल। हे लेट्स गो डार्लिंग। देख रंजीते, देख कैसा थप्पड़ मारा है दोनों बच्चों ने हमारे मुंह पर। निकाल निकाल वो मैरिज सर्टिफिकेट, अब भी जाकर इन्हें दिखाते हैं कि हम भी इनके बाप हैं। शांत हो जा हरबू, शांत हो जा। अरे जब बाजी दुक्की और टिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है? तू देख अब मैं इनसे कैसे खेलता हूं। पाए लागू ससुर जी। बास्टर्ड। हाँ हाँ सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी राजा, अब इस गिराज को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम केविन में आकर अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुगनी कीमत देकर यह गिराज खरीद लिया है। नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? अबे बेवकूफ, हमने तुझे नौकरी से इसलिए निकाला है ताकि तुझे इस जगह का मालिक बना सके। देख देख ये कॉन्ट्रैक्ट,
इस कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये दस्तखत इस बात की जमानत होगी कि आज के बाद तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ले साइन कर, कर कर कर। ये तुम क्या कर रहे हो राजा, इधर आओ। अरे इसी दौलत को हासिल करने के लिए तो हमने उन दो अमीरों से प्यार का नाटक किया था, और जब ये दौलत सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैं कहती हूँ साइन करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो साइन करता हूँ। कहाँ पेन, कहाँ सेठ जी पेन? पेन। ओके सेठ जी। यस यस। ए लड़की अब बता, मेरे बेटे को आजाद करने की क्या कीमत लेगी तू? एक कप चाय। एक कप चाय? जी हाँ, आपको मेरे हाथ की एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे हम गरीब के हाथ का पानी तक नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसको बोल रहे हो सेठ जी, करोड़पति हैं हम, 2.5 करोड़ के गैराज के मालिक, कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं आप। बात पते की है। लाओ लाओ, पीते हैं पीते हैं। लाओ। चल काजल, इनके लिए चाय बनाते हैं। सेठ जी चाय पीजिए। क्या कर रहे हैं सेठ जी, ये 2.5 करोड़ की चाय है, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि 2.5 करोड़ की चाय होती कैसी। अरे काजल, ये तो बिल्कुल आम चाय की तरह है। सेठ जी, 2.5 करोड़ जब एक कप चाय का जायका नहीं बदल सका तो हम प्यार करने वालों का इरादा क्या बदलेगा। बड़े बेगैरत हो सेठ जी, इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो। कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत। ए बाला बशीरा भैरव, हड्डियां तोड़ दो इन कमीनों की। काजल, ये फूल नहीं मेरे दिल का लहू है, और डैडी ये दुश्मन नहीं तुम्हारी होने वाली बहू है। ये मेरी बहू 7 जन्म में नहीं हो सकती। 7 जन्म? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हम कोर्ट में शादी करें। ये पेपर देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी के मामूली पेपर नहीं, तुम्हारी मौत का फरमान है। ये कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर तेरे और मधु के दस्तखत लिए हैं हमने। देख अपनी आंखों से देख। और इन दस्तखत के मुताबिक तुम और मधु कानूनी तौर पर पति पत्नी हो, और अब तुम्हारी शादी किसी कोर्ट, मंदिर और चर्च में तो क्या, सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। और यह कागज नहीं, तुम्हारे प्यार की चिता है, चिता। और इस चिता में तुम्हारा इश्क और तुम्हारे अरमान जलकर राख बन जाएंगे, राख। अरे अरे ये क्या? प्यार की चिता तो जल गई डैडी, अब अपने अरमानों की अस्थियां गंगा में बहाइए या जमुना में। अरे गंगा जमुना तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, तुमने समुंदर को ललकारा है। अब ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम्हारा इश्क, जिस पर तुम्हें बहुत नाज है, तिनके
हवा में बहा है ना ये शोलों में जला है। घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है बला है। टकराया जो भी इससे वो दुनिया से मिटा है। अरे गाय तोड़े साहब आप और वो भी इस दारू के अड्डे पर, क्या इतना बुरा टाइम आ गया कि मौसम्बी पी रहे हो? अरे आज तो ये मौसम्बी पी रहा हूँ, कल मैं ठर्रे के लायक भी नहीं रहूंगा। मेरी ये हालत करने वाले वो दो कमीने हैं, मुझे बैंक से निकलवा दिया। बस दोस्त, अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, उन दोनों को खत्म करके मैं फांसी पे चढ़ जाऊं। और ऐसा करने में क्यों ना मेरी आखिरी कौड़ी तक दाव पे लग जाए। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? हजार रुपए है मेरे पास। हजार के 2000 करने के हैं। हजार के 2000? बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11? क्या गलत बात नहीं? अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है मेरे हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए? ओके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे ऐसा थोड़ी। 1 मिनट। 10 9 8 7 6। भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बज गए 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं कैसे हो सकता यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेवकूफ बना गया वो मुझे। अबे भाग कर कहाँ जाएगा? बेवकूफ बना गया मुझे। अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1000 रुपए लेकर भी भाग गया। अबे अगर हाथ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25? अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25? अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25? अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25? मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? ए, ए, कौन है बे? छब्बीस। उस गाड़ी ने गर्दन को जंग लगे स्टीयरिंग की तरह जाम कर दिया। अरे ये भीड़ कहां से आ गया? पुलिस वाले को टक्कर मारता है? किधर गया? ये दिखता ही नहीं। तूने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। साला हुल देता है, ए, पुलिस को हुल देता है और पीछे भागता है। ए, रुक जा मैं कहता हूं रुक जा। अरे रुकना साला, हड्डी फसले एक कर दूंगा। अबे रुक। अरे आदमी है क्या जानवर? अरे रुकना, रुक। राम को रुकता क्यों नहीं है? फिर भागता है, पुलिस को दौड़ाता है। अरे समझता क्या अपने आपको? साला 2x2 का होकर 6x6 को दौड़ाता है। एक बार हाथ में लग साला कुर्सी में से खटमल निकाल के मारते है ना, वैसे मारूंगा। Hey, 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 hey.
हवा में एक बार फायर किया तो लाइन पर आ गया है। चल निकल बाहर। अरे बाप रे, यहां तो कोई नहीं है। अरे बिना ड्राइवर की चल रही है। अरे अरे क्या कर रही है? अरे अरे मुझे उल्टा क्यों दौड़ रही? अरे देखने तो मैं पीछे आ रही, पुलिस को पीछे दौड़ रही है। लगेगी ना, लगेगी लगेगी लगेगी। अरे अरे क्या कर रही है? अरे दिखता भी ना पीछे क्या हो रहा है मेरे को। अरे बाहर के चलो। अरे अरे तुम लोग हटो मत, नहीं तो मैं बलि का बकरा बन जाऊंगा। लगता है जीप के साथ गिर गई। अब क्या करूं? गैरेज में से घुसता हूं। गैरेज में से घुसता हूं। अरे बाप रे, ये यहां भी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हेडक्वार्टर, मैं विजय, नहीं अजय, क्या नाम है मेरा, मैं भूल गया। मैं इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। सर, मुंबई की एक कार मेरी जान लेना चाहती है। उस कार का नंबर है MH01M37 और सबसे हैरानी की बात है उस कार में तुम्हारी खुशखबरी बहुत जल्दी सुननी है। ओह प्लीज। हमारी? और नहीं तो क्या? Sure, why not? Thanks for coming here. Thanks for coming. Congratulations once again. Thanks a lot. Bye, Priya. Bye. Bye. Take care. Bye bye. Yeah, okay, bye. See you. Oh hi. Thanks for coming. ये क्या है इंस्पेक्टर? किसी का भी खून कर देता है, किसी को भी मार देता है वो। किसी को नहीं मिस्टर डिकोस्टा, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिनका फंडा आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर चोपड़ा दोनों आपके पार्टनर थे और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी आपके साथ पुराना कनेक्शन था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसका मतलब चौथा नंबर डैड का है। शट अप, क्या बकवास करता है? मिस्टर डिकोस्टा, ये ठीक कह रहा है।
जिस तरह से आपके साथियों के मर्डर हो रहे हैं उससे लगता है कि हिट लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। हाँ ले लीजिए डिकोस्टा साहब, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अरे वो कार से कुचलकर पहले हड्डियां तोड़ता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती भी नहीं। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड को बचा लीजिए प्लीज, इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। डैड आप मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं अनाथ हो जाऊंगा। डैड प्लीज, आई विल बी एन ऑर्फन चाइल्ड। शट अप, अभी मैं जिंदा हूं ना। अब मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय उस कातिल को अरेस्ट क्यों नहीं करते? यही तो फंडा है, मेरे पास राज के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। मैं सिवाय प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको पुलिस की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। घर में रहना, खुले में घूमना नहीं। जो जो तू मुझे हमेशा डराता है, तू डर जाता है तो मैं भी डर जाता हूँ। नहीं डैड, आप डर जाते इसलिए मैं डर जाता हूँ। ठीक है, आज के बाद नहीं डरेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे। राइट डैड। क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूँ? तो जब तुम यहां पहुंचे तो ये कार पहले से यहां मौजूद थी। जी। ये कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है, ये कार यहां पहुंची कैसे? माताजी आप तो यहां पहले से थी, आप बता सकती हैं? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता? जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊं रियल फंडा क्या है, तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपके जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है तो देखिए कहीं एक स्क्रैच एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी कि आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है, इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए, हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए। सर शट अप। सर शट अप। सर माताजी आप कमिश्नर होम मिनिस्टर ऊपर तक की पहुंच की बात उन ऑफिसर्स के सामने कीजिए जिनकी जिंदगी का फंडा ऊपर की कमाई से चलता हो, मुझ जैसे ऑफिसर के सामने नहीं। और ये कार, इस कार का संबंध हर मर्डर के साथ में है। मैं इस कार को अभी कस्टडी में लेता हूं। सीताराम रसाला बांध इसको जीप के पीछे। सर प्लीज, सर प्लीज आप मेरी कार मत ले जाइए, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं आपसे वादा करता हूं सर, अब इस कार से कोई हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। सोच ले, इस बार चार नहीं 5 मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तेरे ऊपर, तब इस कार को कस्टडी में नहीं लूंगा, माचिस की डिब्बी की तरह क्रश करके किसी कोने में फेंक दूंगा। समझ गया? ये क्या कर रहा है बेटी? दादी टार्जन को बनाकर मैं पापा को पास ले आया था,
अगर ये दूर हो जाएगी तो लगेगा पापा भी दूर चले गए। My baby, my doll, how are you? So I'm this fine, is Papa. My little girl, yes. What a pleasant surprise, Papa. आप तो कल आने वाले थे. क्यों? तुम्हें surprises अच्छे नहीं लगते क्या? Of course, अच्छे लगते हैं, Papa. ये बताओ, राज कैसा है? He's the very good, Papa. Why, this is fantastic. अब तुम एक काम करो. आज जब तुम कॉलेज जाओगी, तो राज से कहना कि शाम को उसके घर हम उससे मिलने आएंगे. Thank you, Papa. Thank you so much. और तब तक हम अपने पुराने दोस्तों को मिल लेते हैं. क्यों? Okay. Come. Hi, Jojo, how are you, hi? अरे कैसे हो भाई? और ये क्या चारों तरफ सिक्योरिटी? अरे कपूर अंकल, आप जिंदा हैं? अरे भाई, I am absolutely fit and fine. ये बताओ मेरा दोस्त एंथनी कहाँ है? आपको पता नहीं? डैड तो चोपड़ा अंकल, सक्सेना अंकल और इंस्पेक्टर शर्मा के साथ चले गए. अरे भाई कहाँ गए? किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने गए हैं तो कहो मैं वहाँ जाकर के उन्हें मिल लेता हूँ. भाई प्रिया की एंगेजमेंट है और मैं उन्हें पर्सनली इन्वाइट करना चाह रहा हूँ. अगर आपको पर्सनली इन्विटेशन देना है ना तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा. क्या? आइए मैं बताता हूँ. Oh my God. ये? इन तीनों का मर्डर हुआ है. क्या? डैड को तो कार से कुचलकर मार दिया गया है और पुलिस ने बताया कि चोपड़ा अंकल और सक्सेना अंकल का भी मर्डर उसी कार से हुआ है. पता चला कि उन्हें मरने वाला कौन है? उसे तो पुलिस अभी भी ढूंढ रही है. और जिस कार से उन लोगों का मर्डर हुआ है वो कार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी के लड़की की है. देवेन चौधरी? हाँ, पुलिस को तो शक है कि वही लड़का मर्डर करता है या करवाता है. अंकल, अगर उस लड़के को पता चल गया कि आप यहाँ आ गए और आप इन लोगों के पार्टनर है, फिर कभी आपके पासपोर्ट पे लंदन का वीजा नहीं लगेगा. आपकी खड़े खड़े डेथ हो जाएगी और आपका पासपोर्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा. अंकल, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं प्रिया की एंगेजमेंट के बाद सब देख लूंगा. तुम फिक्र मत करो. ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मैं फिक्र क्यों करूं? मेरे डैड तो मर चुके.